कहते हैं ना, दुख बांटने से दुख हल्का होता है। आज सुबह सुबह मुझे बहुत दुखद समाचार मिला कि सुरेखा सीकरी जी अब नहीं रही। मैंने सोचा आपके साथ अपना दुख बांटे। हम स्कूल ऑफ ड्रामा में जब स्टूडेंट्स थे तो वो रेपिट्री कंपनी में थी और बहुत प्ले करते थे वो लोग, और हम लोग चोरी चोरी चुपके से झांक झांक कर देखते थे जब वो एक्टिंग कर रही होती थी। और मैं सोचती थी मुझे ऐसी एक्ट्रेस बनना है, दिस मैनी मैनी ईयर्स अगो। फिर बधाई हो में साथ काम किया, तो उसके पहले सलोनी में भी किया, तो अभी भी मैं उनको देखती रहती थी जब वो सीन करती थी। इतना कुछ सीखने को मिला और अभी इतना कुछ सीखना बाकी था। और क्या कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट। उस उम्र में भी एक हमारा सीन था बधाई हो में, जब वो मेरे ससुराल वालों को बहुत झाड़ती हैं, यू नो, तबाह के झाड़ती हैं, तो जब उनकी क्यू देने की बारी आई, जब मेरे शॉट्स चल रहे थे, तो उनको कहा कि आपको वैसे नॉर्मल क्यू दे दो, इतना वो करने की जरूरत नहीं है। पर नहीं, चाहे 10 टेक हुए, उन्होंने उसी गस्टो से मुझे क्यू दिए जैसे उन्होंने परफॉर्म किया था। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आई फील सो सैड दैट शी इज नो मोर, इट्स वेरी सैड। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। दोस्तों, नई नई वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।